सा युद्ध कर, युद्ध कर भयंकर। से या फोर व्हीलर से जाने का एक अपना अलग मज़ा रहता है, वैसे ही पैदल जाने का ही अपना ही एक मज़ा रहता है। वो ट्रेकिंग का मज़ा, उसका आनंद हम ले रहे हैं अभी। तो चलो मिलते हैं डायरेक्ट किले पे। ये जो पीछे देख रहे हैं रास्ता, इसी रास्ते से जाना है भाई। और नीचे का नज़ारा देख लो एक बार, पीछे जो दिख रहा है वो शायद कैमरे में ठीक तरह से नहीं दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं। अत्तरवाड़ी से पैदल आप जब भी किले पर जाने के लिए निकलते तो रास्ते में आपको ऐसी छोटी छोटी दुकानें मिलेंगे जहां नींबू शरबत, पानी और छोटी छोटी खाने की चीज़ें मिल सकती है। अब हम लोगों ने आधा या आधे से ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा रास्ता पार कर लिया है नीचे से, और अभी बहुत ऊपर जाना है। मेरे पीछे जो टावर दिख रहे हैं मोबाइल के, वहाँ तक जाना है। ठीक है, चलते हैं। सिंहगढ़ की एक खासियत यह है कि सिंहगढ़ दूर से भी पहचाना जा सकता है, क्योंकि सिंहगढ़ पर मोबाइल के दो टावर बनाए, मोबाइल के नेटवर्क के दो टावर बनाए हैं, जो दूर से ही पुणे के आसपास, सिंहगढ़ के आसपास के एरिया से साफ नज़र आते हैं। इसी वजह से आप कहीं दूर से ही सिंहगढ़ कहाँ है लोकेशन पता कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं आगे। भाई साहब, शुरुआत में जो मज़ा आ रहे थे, अब मज़ा लग रहा है सज़ा बन गई है। कठिन है भाई, कठिन। इस रास्ते से जाते हुए अगर एक भी गलती होगी ना तो खत्म। हो ओके ओके, चलो भाई जबरदस्त, मतलब पहुंच गए, लेकिन आखिरी जो थोड़ा सा पैच है ना, बहुत खतरनाक है। अब देख रहे हो ये किले की दीवार, और चढ़न जो है बहुत ही खतरनाक है। चलो थोड़ा सा रास्ता बचा है, करते हैं पूरा। यह है किले का मुख्य प्रवेश द्वार, जिसे पुणे दरवाजा नाम से जाना जाता है। यहाँ एक के पीछे एक ऐसे तीन दरवाजे हैं, पुणे दरवाजा क्रमांक 1, 2 और 3। ये दरवाजा पुणे की तरफ है, इसलिए इसे पुणे दरवाजा कहा जाता है। यहाँ पीछे जो सीढ़ियाँ देख रहे हो, वहाँ से खंदकड़ा जाया जाता है, लेकिन आज किसी कारणवश वहाँ जाने नहीं देते। पूरे किले पर ऐसे पानी के छोटे छोटे तालाब बहुत सारे हैं। ये आप सामने जो देख रहे हो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का एम्युनिशन रूम है। किले की रक्षा हेतु जो भी गोला बारूद जो भी लगता था वो सब यहाँ रखा जाता था। चलो अंदर से देखते हैं अंदर से दिखता कैसे था। यह बाल गंगाधर तिलक का बंगला, ये
रामलाल नाइक इनसे जो जगह खरीदी गई थी इस पर इन्होंने बंगला बनाया था। यहाँ ये राजस्थानी तरीके से निर्माण की गई वास्तु जो देख रहे हैं आप, ये है छत्रपति शिवाजी महाराज जी के द्वितीय पुत्र छत्रपति राजाराम महाराज जी की समाधि। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के प्रथम पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज मुगलों द्वारा पकड़े जाने के बाद और उनकी हत्या होने के बाद छत्रपति राजाराम महाराज जी ने मराठा सत्ता की बागडोर संभाली थी। सामने देख रहे हो कल्याण दरवाजा, हम उस तरफ ही जा रहे हैं। उस कल्याण दरवाजे का एक इतिहास है कि जब तानाजी मानेसरे ऊपर आ गए थे कड़ा चढ़ के, तो कल्याण दरवाजा ही सबसे बड़ा दरवाजा था जो गढ़ पर आने के लिए, किले पर आने के लिए था। तो तानाजी मानेसरे जी के छोटे बंधु सूर्याजी मालूसरे अपने मराठा सैनिकों के साथ उधर उनका इंतजार कर रहे थे दरवाजा खोलने का। ऊपर से दरवाजा जब खोला गया तो सूर्याजी ऊपर आए उस कल्याण दरवाजा से ही, और आने के बाद जो जंग हो गई उस जंग का फाइनल निर्णय यह हुआ कि जंग मराठा सैनिकों ने जीत ली। अब हम जा रहे हैं वही कल्याण दरवाजे की तरफ। यह है कल्याण दरवाजा। कल्याण दरवाजा भी पुणे दरवाजे की तरह एक के पीछे एक ऐसे तीन दरवाजे हैं। एक कल्याण दरवाजा यही से सूर्याजी मालूसरे अपने चंद सिपाहियों के साथ अंदर से जब दरवाजा खोला तब चढ़ के ऊपर आए और जंग में जीत हासिल कर ली थी। जो आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हो एक टावर दिखाई दे रहा है मोबाइल का, वही है तानाजी कड़ा, जहाँ से तानाजी मानेसरे रात के अंधेरे में अपने कुछ चंद सिपाहियों के साथ ऊपर चढ़ के आए थे और अपने उन्होंने एक किला हासिल कर लिया था। देखा जाए तो दिन के उजालों में भी वो कड़ा चढ़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लग रहा है, लेकिन रात के अंधेरे में घने अंधेरे में अपने कुछ चंद सैनिकों के साथ, जबकि ऊपर शत्रु के सैनिक खड़े थे, कभी भी वो देख सकते थे, हमला कर सकते थे, ऐसे सिचुएशन में वो रात के अंधेरे में चढ़ के आए थे ऊपर और उन्होंने एक किले पर जीत हासिल कर ली थी। चलो करीब जाकर देखते हैं तानाजी कड़ा। वैसे तो किले पर छोटे छोटे पानी के तालाब बहुत सारे हैं, लेकिन पीने लायक पानी सिर्फ इसी तालाब या कुएं में है जिसे देवटाका नाम से जाना जाता है। आज भी किले पर यही का ही पानी पिया जाता है। नरवीर तानाजी मालूसरे अपने बड़े बेटे रायबाप की शादी का न्योता लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज को देने के लिए आए थे, तभी यहाँ किले पर सवारी करने का प्लान बना
वो प्रसंग यहाँ दिखाने की कोशिश की है। नरवीर तानाजी मालुसरे की समाधि के बगल में ही यह समूह शिल्प बनाया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के काल में जो सैनिक थे उन्हें युद्ध कला का जो जो अभ्यास था, जो जो युद्ध कलाएँ आती थी, या उनके सैनिक जो जो जिस तरीके से युद्ध करते थे, वो सारे तरीके यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। ये समूह शिल्प सच में देखने लायक है, बहुत ही मनमोहक, खूबसूरत, सुंदर है। कडा चढून छपा घालून 80 वर्षाचे लाडमा मन उदय भरूला ठार मारला आणि गड स्वराज्यात आणला ही श्रींची इच्छा आणि महान वीर रत्न तानाजी मालुसरेंची आग पेटवली बालेकिल्ल्यावर त्याचा संकेत त्या समोरच्या राजगडावर केला। तो राजगड इथून दिसतो आपल्याला आणि राजगडावर जिजामातांनी मोठ्याने किल्ला दाखवला शुभा की माझा लाडका कोंढाणा सर झाला, लाडका कोंढाणा सर झाला। त्याच वेळेला याचं नामकरण महाराजांनी इथं केलं, तानाजी मालुसरे करार तीर्थी पडलेले पाहता रक्ताच्या थवळ्यानं स्वराज्याचा भगवा फडकला। महाराजांनी दुःख व्यक्त केलं, स्वराज्यातला 17 हत्तीमधला एक सिंह गेला आणि म्हणून आज महाराज म्हणाले गेले की गड आला पण सिंह गेला। जय भवानी, जय शिवाजी। बजे है 6:30 और सूरज पूरा डूब गया है, अंधेरा होने लगा है। नीचे जो गांव है अत्तरवाड़ी करके, उसमें भी लोगों ने दिए जलाए हुए दिखाई दे रहे हैं। जल्दी से जल्दी हमें उस गांव में पहुंचना है क्योंकि रास्ता भी बहुत खतरनाक कठिन है, और जितनी जल्दी हम वहां पहुंचेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। ये गाँव में पूरे दिए जले और अभी तक हम नीचे नहीं पहुँचे, कठिन हो रहा है। सामने से कुछ दिखाई देना बंद हो गया है और रास्ता तो बहुत खतरनाक है, पथरीला है, पता नहीं कब कहाँ से कैसे पैर फिसल जाएगा। दिक्कत तो अब होने वाली है। चलो और जल्दी से जल्दी, जितना हो सके उतना जल्दी से जल्दी नीचे उतरने की कोशिश करते हैं, नहीं तो